वेलकम बैक टू आप। अब जो है हम ये सीखेंगे कि ऑटोकैड जो है उसको आप उसके अपनी असल वर्जन वाली फाइल को यूज़ कर सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। अपन अगर हमें ऑटोकैड पे बनाया गया प्लॉट या कोई भी हमने रिपोर्ट किया हो तो उसको प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए ऑटोकैड का क्या बेस्ट सोल्यूशन है। जैसे कि याद आप देख सकते हैं ये फाइल हमने जो लास्ट रिसेंटली कुछ चीज़ें जो बनाई थी तो उसको हमने पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल है, ये फाइल जो मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट की है, ये फाइल जो ये भी पीडीएफ में मैंने कन्वर्ट की है, सेम एज इट इज़ हमारे पास ये फाइल जो ये भी क्या होगी पीडीएफ में कन्वर्ट होगी जो कि हमने कैड बनाई है। तो कैड से पीडीएफ में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसीजर है, तो तीन मैथड्स हैं कन्वर्ट करने का। तो एक ये कि इसको हम प्लॉट करते हैं पीडीएफ फाइल में या पीएनजी में, ये आप डिपेंड करते हैं आपके फॉर्मेट को लेके जाना चाहते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले है कि हम सिंपल मैनुअल तरीके से कैसे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे फाइल में, फाइल में जाते हुए जो है ना आप यहाँ पे करेंगे प्लॉट, एक प्रीव्यू है और एक प्लॉट है। प्लॉट में जाएंगे जब आप तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके पास, यहाँ पे आप कुछ नेम दे दें, ऐड नेम दे दें, आप ये नेम दे दिया। अब यहाँ पे हमने डिफरेंट देखना है कि आपने कौन सा फॉर्मेट चूज़ करना है। डिफरेंट फॉर्मेट यहाँ पे दिए गए हैं, हम जब फॉक्स एडिटर पीडीएफ प्रिंटर लेते हैं आप पीएनजी में भी कर सकते हैं, एनी जो आपको जो है सूटेबल होता है। हम प्रिंटर में करते हैं तो क्या होगा कि डिफरेंट आगे उसने डायमेंशन दे दिए, ए फोर स्मॉल साइज वो प्लॉट करेगा, प्लॉट फाइल करेंगे तो क्या होगा पावर उसको प्लॉट कर देगा। प्रिंट पेपर आपने करना है, सेंटर पर प्लॉट करेंगे तो क्या होगा कि जो आपके पास फाइल है जो भी आपके पास सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा पेज के सेंटर में आ जाएगा फ्रॉम द मार्जिन। और यहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास कि आप किस चीज़ को क्या चीज़ प्लॉट करना चाहते हैं। एक तो है कि जो आपको डिस्प्ले में जो भी नज़र आ रहा होगा ऑटोकैड में सारे सारे क्या प्लॉट करेगा, ठीक है। या तो आप करेंगे एक्सटेंड करें या फिर उसको लिमिट दें। हम विंडो से मोस्टली जो है ना आपकी डिज़ायरेबल चॉइस के लिहाज से वो प्लॉट करेगा। अगर आप विंडो सेलेक्ट करते हैं क्या करेंगे वो बताएगा कि आपने कौन सी चीज़ को प्रिंट कराना है। तो हम अगर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो ये पूरे का पूरा जो अभी ये विंडो में जो आ रहा है ये सारा व्यू, ये क्या होगा ये पीडीएफ या पीएनजी में जो है ये कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे आपने उसको विंडो दे दी, विंडो सिलेक्शन दे दी, आप यहाँ पे दोबारा डायलॉग बॉक्स आए, आप यहाँ पे जाएंगे प्रीव्यू में जाएंगे तो आपको ये यहाँ से दिखा रहा है कि आपने जो सिलेक्शन की थी अब वो कैसे आपको नज़र आ रही है। मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ये टेंट जो है क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, मैं क्या करूँगा कि की बोर्ड से इसके एक बटन आप दबाओगे दोबारा आप यहाँ पे आ रहे हैं। दोबारा आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे विंडो का ऑप्शन, तो यहाँ पे दोबारा विंडो का ऑप्शन करने के बाद जो है आप जो है दोबारा सिलेक्ट करोगे, अब आप अपनी मर्जी से इसको विंडो एक अलग से दो ये बैटर, तो अब जो है ये आपकी उसको टाइम को जो है सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ से क्या है कि इजी विंडो फॉर्म जो है और इसको जो फॉर्म साइज है वो क्लियर नज़र आ रहा है, तो हम ओके इंटर करने बाद यहाँ पे क्या होगा कि बन जाएगा ओके करेंगे। आप ये पूछे कि डेस्टिनेशन फोल्डर कहाँ पे जाना है, इसको तो डेस्कटॉप पे नाम दे देता हूँ मैं इसको कुछ भी, ठीक है नाम दे देता हूँ मैं कुछ भी, ये ओके करेंगे ये सेव हो जाएगा। अब जो है ना डेस्कटॉप में इसकी जो है ना मांगेगा ये इसकी लोकेशन, तो सेव कर देंगे डेस्कटॉप पर, जैसे सेव होगी तो पी डी एफ फॉर्म में जो है ना आपसे कितना हो जाएगा, ठीक है।